जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट के सब्जेक्ट में होता क्या है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसमें हमने देखा कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, उनके अंदर कौन सा इक्विपमेंट कौन से ऑपरेशन के लिए काम में लिया जाता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहता है वो है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। फर्स्ट इक्विपमेंट जो था हमारा वो था हमारा अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। अगर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में हम देखें तो जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो दो टाइप कौन कौन से होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक तो जो वो इक्विपमेंट जो एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन इक्विपमेंट, देन सेकेंड जो हमने पढ़ा था वो था अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। उसके बाद हम पहला अगर टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वो है हमारा एक्सकेवेशन, और उसको जैसे कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट होता क्या है ये देखते हैं। तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट क्या होता है, द इक्विपमेंट परफॉर्म एक्सकेवेशन डिगिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अर्थ मूविंग डेब्रिस, डिस्टेंस प्लेसमेंट, कॉम्पैक्टिंग, लेवलिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, फॉलिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट होते कौन कौन से, या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं वो इक्विपमेंट जो एक्सकेवेशन, यानी एक्सकेवेशन का मतलब क्या हुआ कि खुदाई, खुदाई का काम जो करते हो, डिगिंग करते हो, डिगिंग इज द अनदर नेम ऑफ एक्सकेवेशन, एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अर्थ मूविंग, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी में लार्ज स्केल पर अगर कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में है उसको अगर मूव करते हैं, इधर मूविंग देम टू डिस्टेंस, अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसको बोलते हैं वो जो इक्विपमेंट अपने जो काम आएगा वो होंगे हमारे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। उसके अंदर ऑपरेशन में जैसे कॉम्पैक्टिंग, लेबलिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, हॉलिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। इन ये सभी जो ऑपरेशन जो मशीन काम में लेती है, या ये सारे जितने भी ऑपरेशन हैं, इन सब के लिए जो भी मशीन को या जो भी इक्विपमेंट को हम काम में लिया जाता है उन सबको अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बोलते हैं। उसके बाद जैसा हमने देखा कि ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एक्सकेवेशन इक्विपमेंट और एक होता है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। तो जो एक्सकेवेट करते हैं, जो मतलब खुदाई का काम करते हैं उनको बोलते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं वो हम देखें तो होता है, फर्स्ट होता है पावर सोवल, सेकेंड होता है बैंक हो, थर्ड होता है लार ड्रैग लाइन, फोर्थ होता है क्लैम्प सेल। इन चार इक्विपमेंट के चारों के अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, इन चारों को अलग अलग तरीके से काम में लिया जाता है, और ये ही चार जो है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो कि एक्सकेवेटिंग करते हैं या एक्सकेवेटिंग या खुदाई का काम जो करते हैं, ये चार तरह की मशीन होती है, ये सारी मशीनें हम काम में लेते हैं एक्सकेवेटिंग के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जबकि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो होते हैं उनके लिए सिलेक्शन क्या होता है, जो हमने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो होता है उसके लिए हमने देखा था कि उसको सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन कैसे किया जाए, उसको कैसे खरीदना है, या उसके लिए साइज क्या होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उसका लेबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो हमारे हैं उनके लिए उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड, मतलब उसके लिए ऐसा मशीन हो जो लार्ज क्वांटिटी के वॉल्यूम को, लार्ज क्वांटिटी मटेरियल को रिमूव करे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन नेक्स्ट है हाइट ऑफ एक्सकेवेशन। हाइट ऑफ एक्सकेवेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट है और यहाँ पे यदि कोई हिल है या कोई किसी भी प्रकार का मटेरियल का अगर कोई सैंड ड्यून वगैरह है तो वो एक्सकेवेटिंग कैसे करेगी हाइट ऑफ, तो वो हाइट ऑफ एक्सकेवेशन उसके लिए सिलेक्शन कि अपने को हाइट पे काम में लेना है या प्लेन लैंड पे लेना है उसके लिए। डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल, वो उसको कितना डिस्पोज करेगा एक्सकेवेट करते समय मटेरियल को, और उसके बाद है मटेरियल टू बी रिमूव फ्रॉम साइट, वो हमारा जो साइट जो होगी, जो भी साइट होगी वहां से हमारे मटेरियल को वो रिमूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उस हिसाब से हमें उसके अकॉर्डिंग हमें वो उसका सिलेक्शन करना है इक्विपमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ सॉइल टू बी एक्सकेवेटेड, किस प्रकार की सॉइल को वो इक्विपमेंट
एक्सकेवेट कर सकेगा या नहीं कर पाएगा उसके लिए वो सिलेक्शन। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर एक्सकेवेशन, उस मशीन की ड्यूरेशन कितनी है या उस मशीन की इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो कितने टाइम में कितना ऑपरेट कर पाएगा, उन सब के बारे में ये सारा जो फैक्टर सिलेक्शन है इक्विपमेंट को खरीदने के लिए या हायर करने के लिए, वो ये सारे पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि पावर सोल होता क्या है। हमने जैसा कि पढ़ा है कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में हमने चार टाइप के पढ़े हैं। पावर सोल होता है उसमें, और बैकहो होता है, ड्रैगलाइन होती है, क्लैम्प शेल होता है। उसमें से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पावर सोल क्या होता है। पावर सोल इज एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट।